हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आइयो अच्छे होंगे। चले करते हैं दिन की शुरुआत, और दिन की शुरुआत है बहुत अच्छी क्योंकि चल रहे हैं दिवाली के दिन, तो सब अपने अपने देवताओं पे दिए जलाने के लिए जा ही रहे होंगे। तो आज हमने भी टाइम निकाल लिया है देवताओं पे दिए जलाने का, क्योंकि आज है इंजीनियर साहब की छुट्टी, संडे है आज। तो आज हम जा रहे हैं देवताओं पे दिए जलाने के लिए, और आज दिखाएंगे हम आपको अपना गाँव। हाँ जी, इतने लेट कैसे कर दिया आपने? मैं तो नहा धोके रेडी खड़ा हूँ। और ये देखिए, इन्होंने अपना पिटारा निकाल लिया है, खजाना। वाओ! तो मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास चेंज नहीं है, तो मैंने इनसे बोला कि थोड़ा सा ना चेंज निकाल लो, क्योंकि वहाँ पे चढ़ाने होते हैं ना पैसे। तो आप भी जा रहे होंगे देवताओं पे दीवे जलाने के लिए, और आज हम भी जा रहे हैं। आज तो बहुत सारे लोग जा रहे होंगे, क्योंकि पीछे से ना मेरी मम्मी और मेरी भाभी भी गई हुई हैं, क्योंकि उनका गांव तो है दूर, बहुत दूर है, 3 घंटे का रास्ता है। बट हमारा ना दूर नहीं है, हमारा तो पास में ही है, यहीं आधे पौने घंटा लगेगा। और केवी भी उठ गया है, तो केवी भी हमारे साथ जा रहा है। प्रीशा भी सो रही है और लड्डू मम्मी के पास है, तो फटाफट से जाते हैं, फटाफट से आते हैं। और दोस्तों, यहाँ से चालू है हमारे गाँव का रास्ता, देखो पूरा हरियाली है। अभी चलते हैं अपने गांव में और पूजा वूजा करते हैं फटाफट से। तो गाइस, आगे अपने गांव, अपने पिंड, ये देखो यहाँ पे हमारे दादाजी पले बड़े हैं, हमारे पापा जी, चाचा, ताऊ, सब यहीं पे पले बड़े हैं। और ये बहुत ही पुराना मकान है गाइस, और ये देखो ये पहली दुकान है जो हमारी दादाजी थी, जो बड़ी दादी पर दादी थी वो यहाँ पे रहती थी, और इनका कमरा ये था, वो आगे वाली दुकान थी, ये कमरा है छोटा सा। और गाइस, पीछे का सारा पोर्शन नया बना हुआ, ये पहले यहाँ पे खाली था लेकिन अब यहाँ पे न्यू बना दिया है। देखो, ये सबसे पहले यहाँ पे 2 रूम है, एक तो ये रूम है और दूसरा किचन न्यू बनी है यहाँ पे, और बराबर में ये देखो ये दूसरा रूम है। कि भी गांव में आके कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया लग रहा है। और इतना पोर्शन ये पुराना है आगे, बाकी सब ये नया बना हुआ है, ये पूरा नया बना हुआ है। ये देखो गाइस, ये पूरा नया बना हुआ है, यहाँ पहले खुला होता था तो पीछे बना दिया सारा, और ये पुराना है। और अभी चलते हैं देवताओं पे पूजा करने के लिए। किवी, गांव कैसा लग रहा है पहली बार? हेलो, इतने पास में क्यों है गांव? तो किवी कह रहे इतने पास में क्यों है, हमारा गांव है ना हमारे घर से करीबन आधा पौना घंटे की दूरी पर है, बहुत पास में। तो किवी कह रहे इतना पास में क्यों है, इतने जल्दी क्यों आ गए हम गांव में? और गाइस, गांव का सबसे पुराना मंदिर ये है, पहले यहाँ पे चलते हैं, पूजा करते हैं। महादेव महादेव। गाइस देखो, मंदिर में मोर दिख गया हमें। क्यों देख लिया मोर? मोर नहीं, ओके भी घोड़े को मोर बता रहा था, वहां पे घोड़ा है वाइट। और अभी आ गए हैं दूसरे वाले मंदिर में, वो था सबसे पुराना मंदिर उस साइड पे, और अभी है ये थोड़ा सा नया बना है, ये ज़्यादा पुराना नहीं लेकिन है पुराना। ये भी चलते हैं अभी अंदर, ये करते हैं। ये आ गए जी अपने देवता, कि भी जाओ जय करके आओ जूते उतार के। तो दोस्तों, सबके अपने 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 देवता होते होंगे, पूर्वज होते होंगे, सब अपने गांव में जाते होंगे पूजा करने के लिए। और यहाँ पे देखो हमारे देवता यहाँ पर हैं। और ये हमारे दीपक भैया का घर, भैया यहाँ पे देवता के पास रह रहे हैं। ये तो चले गए दिखे ऑफिस। अच्छा, वो सब बढ़िया। यहाँ पे कहाँ जा रहे हम? पीर बाबा पे। यहाँ जा रहे पीर बाबा पे, यहाँ पे भी जरूर प्रसाद चढ़ाते हैं, जब भी देवताओं पे आते हैं तो यहाँ पे भी जरूर चढ़ता है हमारा प्रसाद। और गांव का पूरा झोड़ है देखो, जब गुल्ला गिरा मतलब हाँ मैंने जब देखा। और यहाँ पे पत्तों के ऊपर लड़ाई हो रही है। मेरे पे तो फिर गुल्ला धैला नैला अट्ठा चौक गिर जाएगा उधर।
ये माता का मंदिर है, शीतला माता है, ये शीतला माता जी का मंदिर है। बत्ती जलाई नहीं जाएगी, ऐसी रखी जाएगी बिना जली। ठीक है जी। और यहाँ पे दिया जलाया नहीं जाता, ऐसे छोड़ा जाता है शीतला माता पे। अरे लड्डू तो ले लो। और इसको भूख लग रही है गाइस, लड्डू मांगे जा रहा है हमसे। अभी मिलेंगे, पूजा हो जाना देंदे तब मिल जाएंगे लड्डू। ठीक है, लड्डू मिलेंगे, रसगुल्ले मिलेंगे, बर्फी मिलेगी। और बता। तो गाइस आ गया अभी भूमिया मंदिर, यहाँ पर पूजा करते हैं और यहाँ पर हमारी पूजा पूरी होती है, कंप्लीट होती है। तो हम आ गए हैं घर पे और दीवे हमने जला लिए हैं और यहाँ पे ना चाय बनी हुई है और बस ना बहुत भूख लग रही थी, फटाफट चाय आ गई है, चाय पीते हैं। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे करो, अनु करो करो, बाबू राधे राधे करियो, राधे राधे करो, राधे 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 राधे। चलो जी आ गए घर पे, अभी घर पे पूजा करके और प्रसाद सबको दे दिया और अभी चल रही है समोसा ब्रेड पकौड़े पार्टी यहाँ पे। सारे बच्चों देखो कैसे लगे हुए हैं। गोलू कैसे लगा? बढ़िया। बढ़िया। प्रिशा कैसा लगा समोसा? अच्छा। अच्छा, कीवी कैसा लगा समोसा? मस्त। और समोसा बहुत टेस्टी था। और मैं एक प्लेट छोले भटूरे भी लेके आऊँ। जब इन्हें क्रेविंग होती है ना, ये होता है ये ले वो ले सब चीज ले। एहे, रहा नहीं जाता। और अभी डाइटिंग चल रही थी, डाइटिंग फिनिश हो गई, खत्म हो गई। डायरेक्ट सब कुछ लबड़ दबड़ सब कुछ खाओ। हाँ, बच्चे तो सो गए और कीवी ना बहुत गुस्सा हो जाएगा हमें बाहर देख के। और मैं थोड़ा सा बाहर का काम था, कल वो हनुमान जी बनेगा स्कूल में, तो उसकी हनुमान जी की ड्रेस भी लेके आनी है हमें, उसकी ड्रेस लेने भी जानी है। दिवाली की सजावट भी हो गई है यार हमारे, तो अभी सफाई भी कम्प्लीट नहीं हुई है और लोगों के ना लड़ी भी लग गई है। देख लड़ाई, ये लड़ाई। अगर आप लोग देखेंगे तो घर में लड़ाई नहीं थी, बाहर भी हो जाती है स्कूटर पे। बात तो सही है। और कीवी ना बहुत एक्साइटेड था बाहर जाने के लिए मार्केट में, लेकिन बेचारा सो गया। ये चलते ही नहीं है, ये जब रात हो जाती है ना 8 बज जाते जब इनकी नींद खुलती है, जब भी उठ के चलते, नहीं तो उससे पहले तो इनको इतना लेजीनेस रहता है ना, भूख जाती। अब चले उठी। आई एम द नाइट राइडर मैन। देखो सजावट हो गई पूरी यहाँ पे। और हम आ गए हैं बुआ जी के, हम आ गए अपनी बुआ जी के घर पे। ये देखो बुआ जी किचन हमारी, हमारी बुआ जी बहुत सफाई रखती है, वो भी सफाई नहीं रखती, दुआ रखती है। पानी नहीं आता बिल्कुल भी, एक घंटा पानी आता है बस बुआ जी, एक घंटा, आधा घंटा, एक घंटा बस इतना ही पानी आता है। और ये आ गए मंडोली मार्केट में, बट ना भी हमें कुछ लेना नहीं, मतलब लेना तो बहुत कुछ है लेकिन अभी मैं लूंगी नहीं, मैं धनतेरस वाले दिन लूंगी। ये बोल रहे हैं कि ले ले कुछ, मैंने बोल दिया कि मुझे धनतेरस वाले दिन ही लेना है। और ये देखिए गाइस, इनके ना बहुत पुराने दोस्त मिल गए हैं और इनकी खुशी का ना ठिकाना नहीं रहा बिल्कुल। और ये हमारा ब्लॉग बन रहा है, मुझे नहीं पता था ब्लॉगर हूं, सच में ब्लॉग में नहीं आने वाला था मैं। आपको पता है 2 दिन से बुखार है मुझे और आज मैं बुखार में खड़ा हूं। तो गाइस इनके फेस पे मत जाइए, इनको ना फीवर हो रखा है। और यहाँ पे ना हम कुकर देखने आए हैं स्टील का, और यार कितने अच्छे अच्छे बर्तन हैं, मन करता है अपने सारे बर्तन एक्सचेंज कर लें। ये 5 लीटर का है, कितने का? नॉनस्टिक फैन ने इस आइटम ने ट्रिप लाई के था, नॉनस्टिक फैन कर दिया इसमें ना, जनता ने चुप करना है। और आगे ना जाम लग रहा है, अंदर से बाइक टर्न कर लिए। तो हम आ गए यहाँ पे राम मूर्ति वाले के प्रकाश नगर में, क्योंकि केवी की हमें ड्रेस लेनी है। भीड़ तो नहीं होगी क्योंकि अभी कुछ इतना खास है नहीं ना ओकेजन। चलो क्या क्या ले लिया तुमने? ये लिए पूंछ और ये ऊपर का चोला वोला सब ले लिया यार, बहुत महंगा है। लास्ट तो 250 में दिया था और अब की बार 400 रुपये कर दी सीधा यार, हद है। सही में यार बहुत महंगा दिया इस बार। हनुमान जी की ड्रेस पहले ही 250 या 280 250 में दी थी यार, और अभी 400 रुपये। और यहाँ पे आ गए हम भाभी के घर पे। हमारा भेस ऐसी हो रहा। भेस तो नहीं हो रहा, बढ़िया लग रहे हो के चक्कर इतने दिन भाई, वो ये सफाई तो है ही। अभी कीवी की ड्रेस लेके आए, हनुमान जी बनेगा ना कल। Yeah.
हाँ कल ऐसे स्कूल में वो है ना भैया, मुझे बहुत कमजोर लग रहे हो। कमजोर तो नहीं, ऐसे 16 साल के हो गए आप तो। देखा 16 और 25 मिला लो। नहीं नहीं सच में बहुत मेरे को कमजोर लग रहा है। और कैसा रहा बढ़िया यात्रा? यात्रा बिल्कुल बढ़िया, सुपर आरामदायक। आरामदायक तो होगी नहीं जहाँ धीरे धीरे आए हम लोग हर जगह, हमने बहुत धीरे धीरे सारा चीजें गाड़ी चलाई, एक दिन लिए 3 दिन में पहुंचे और 3 दिन में पहुंचने के बाद फिर हम वहीं रुके रात में, फिर हम एक हफ्ते बाद निकले वहां से। कुछ ज्यादा ही हो रहा है, बाय बाय। चलो जी हो गया मिलना जुलना और चलते हैं अब घर पे। ओके भैया बाय बाय, सी यू सून। ओके तुम भी चल रही हो? अच्छा बेटी। तो दोस्तों आ चुके हैं घर पे और हो गया था डिनर का टाइम। भाभी तो बहुत बोल रही थी कि खाना खा के जाओ खाना खा के जाओ, बट हम खा के नहीं आए क्योंकि बच्चे हमारे साथ में नहीं थे। तो यहाँ पे आके मैंने बना दिया इंजीनियर साहब का पोहा और बच्चों के लिए बनाई थी आलू टमाटर की सब्जी। तो बच्चों को तो मैंने खाना खिला दिया है, इंजीनियर साहब का मैंने पोहा अब बनाया है। इनका फिनिश भी हो चुका है। कैसा लगा पोहा? और ये आगे इनकी बुआ। हाँ जी क्या हाल चाल, कहाँ घूम रही हो नए कपड़े पहन के? मैं शूज लेने गई थी टुकू के। मिल गए? लो उसकी कोई भी शूज नहीं आ रहे। तो दोस्तों आज देखो टुक्कू का प्रोग्राम है स्कूल में, देखो टुक्कू क्या बनाया है। क्या बने हो आप? ये सनफ्लावर। इतना बड़ा सनफ्लावर? और भाई साहब, अरे वाह भैया मजे आ गए। और गाइस कीवी भी है ना, आज स्कूल में हनुमान जी बने हैं तो अभी चलते हैं कीवी को लेने के लिए। और भैया हमारा कीवी आ गया, हनुमान बना हुआ। तो देखो गाइस आज कीवी, जय श्री राम बोलो। मैं श्री राम भक्त हनुमान, हे रावण सीता माता को छोड़ दे और प्रभु के पास आजा। जय हनुमान ज्ञान वन सागर, जय कपिस्तु लोकु जग, राम दूत अद्भुत बल धाम, अंजनी पुत्र वंशत राम, भागे विद्रंगे तुम थिनवास स्वत के संगी, कंचन वदेव राज सुदेश कावन कुंटित कुंटित देश, हाथ वट बजा विरार तर जीवन जने वन सागर, शंकर सुमर के सेनन के जब दादू महाजक बंदे दबानु बनी होती जात, राम बाज कर से बोरात हमें चने सुनी रे बोरासी, राम रे फंसी तामन बसिया। जय श्री राम। तो दोस्तों टुकु और मेरा बहुत अच्छे प्रोग्राम था, मेरा टुकू का बहुत अच्छा प्रोग्राम था। चलो चलो करते हैं। अरे बाबू हम आप लोग अच्छा लगा, तब तक के लिए बाबा को नहीं लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और बाय।